हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। साले यार से बेजार बहुत हैं, उसकी वजह से आज कर्जदार बहुत हैं। पैसों से उनका आज भी दिल भर नहीं पाया, हालांकि उनके पास तो अंबार बहुत हैं। मियां मुस्तकबिल की फिक्र है, किसको दर्द है, डिस्को दर्द है, डिस्को। जब से बच निकला है कप्तान, कुछ लोग हैं और भी परेशान। कहने को तो बहुत कुछ है और भी, लेकिन अब तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उम्मीद है कि आज का शॉप अच्छा करेंगे इंशाल्लाह सर। तो आप करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? क्या बच्चों माशाल्लाह, अब आटा लेके आओ, बंदर का डांस देखा है। तो आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज आप नहीं अच्छे लग रहे, ये अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये यस सर, मैं एक्चुअली देखने के लिए आ रहे हैं ना आज। हाँ जी, कसाई फैंस बैठे हुए यहाँ पे ठाकुर साहब के, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि इनको ये नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से? कनाडा से। क्यों जी? डॉक्टर हैं। डॉक्टर क्यों? इतने तो डॉक्टरों ने जवाब देता तो क्यों आ रहे हैं? अल्लाह के बंदे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। रिश्ता देखने वाले आए ने, पिछले जुम्मे भी आए थे ना। जी, अच्छा जी, उन्होंने कहा जी असी वेख लिया, हुण किसे डॉक्टर नूं वहाओ। और डॉक्टर नूं वहाण गए ने, डॉक्टर ने कहा ड्रिप लगनी है। अच्छा, ठाकर सानूं ड्रिप लगी है। किवें? ड्रिप उन्होंने बेड ते पा के इन्हां नूं स्टैंड ना टंगता। तुसीं जिम गए हो? तौबा करो, ए सिक्स पैक बाहर आए तुहाडे। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, ताल्लुक है पीटीआई से और बड़े ही सरगर्म रुकन है। आप सबकी तालियों में जनाब राजा रियाज साहब। राजे तो आ चुके हुए हैं, तो फिर राजपूत कैसे पीछे रह सकते हैं? हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एक्ट्रेस, आप सबकी तालियों मोहतरमा परीसा राजपूत। के दोनों मेहमान ही बड़े खास हैं सर। और महकमा मौसमियात की तरफ से एक बहुत ही अच्छा शेर है सर कि हवाएं गुनगुन आ गई हैं। हवाएं हवाएं गुनगुन आ गई हैं, फिजाएं फूल बरसा गई हैं और घटाएं लहलहा गई हैं, क्योंकि आज मजाक रात में राजा साहब और हरीसा जी आ गई। हरीसा नहीं भाई, परीसा वो परीसा है, लेकिन मुझे पसंद हरीसा है। शुक्र है ठाकर साहब, तुसी पतीसा नहीं कहता। लेकिन मेरा तो आज पीटीआई वासे। अच्छा, क्या बात है। तुम इतनी मुझसे मोहब्बत करते थे तो फिर क्यों छुपाया है? अरे क्या, तुम इतनी मुझसे मोहब्बत करते थे तो क्यों छुपाया है? आपको किसने कहा है? तुम इतनी ही मुझसे मोहब्बत करते थे तो क्यों छुपाया है? अरे वाह, आपको खान साहब ने वलीमे पे क्यों नहीं बुलाया है? वलीमा भी हुआ ही नहीं है। वलीमा भी हुआ नहीं, इसलिए नहीं बुलाया उनको। पंजी बंदे वलीमे थे के जहांगीर साहब अपने जहाज से देगा लेके गए ने। नहीं, मगर ऐसी बात आप नहीं करते, वो पहले की बातें थी। अलीम खान साहब लो चावल आए ने, उधरों देगा आईया। राय साहब कहते मैं बुला लेंगे, मैं पका ही देना। मगर नहीं, वैसे एक चीज तो इंटरेस्टिंग राय साहब मैंने नोट की है कि बड़ी आप लोगों ने कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है। ये ब्लैक एंड व्हाइट का ये कॉम्बो क्या डिसाइडेड था पहले?
नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता था कि उधर कौन आ रहा है, मैं तो आपके लिए आया हूँ। परीसा, क्या आपको इल्म था कि व्हाइट पहन कर आ रहे हैं? नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं था, सेम हेयर मुझे भी नहीं पता था कि। तो ये आप लोगों ने आपस में, यानी कि आप पहली मुलाकात हो रही है आपकी, कोई चीज होती है केमिस्ट्री, वही मैं कह रहा हूँ कि ये केमिस्ट्री समझा करें। तो सर जी तो है ही प्यारी, आज राजा साहब भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह आज तो आप भी मॉडल लग रहे हैं। ठाकुर साहब वैसे ही मेरे भाई हैं जी। अच्छा, मगर राजा साहब इनको इजाजत है? राजा साहब बड़े फ्रेश माशाल्लाह लग रहे हैं, क्या अभी मैं सफर करके आया हूँ? चार साल से आप लोग सफर ही कर रहे हैं? हम तो सफर कर रहे हैं 35 साल से, मगर आपको तो बीच में 4-5 साल नहीं भी दी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे सफर चलता ही रहा, सफर चलता ही रहा, सफर आदि नहीं थे, उन बस दी छाते पे के भी कर लेंदे ने। आजकल क्या हालात चल रहे हैं? पीटीआई वाले खुशबाश हैं? पीटीआई में आजकल इलेक्शन की तैयारी हो रही है, सब लोगों को खान साहब ने कहा है कि अपने हलकों में जाएं और काम शुरू करें। लोधरा के बाद जरा थोड़े ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, खान साहब ने कहा है कि अब ये वापस जाओ अपने हलकों में और काम करो। देखिए जी, हर चीज से बंदे को कुछ सीखना चाहिए, अगर कोई गलती हुई है, किसी जगह को कमी है, तो क्योंकि इस वक्त लोग तरीके इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, लोगों का रुझान है, लेकिन अगर हमने अच्छी तरह इसको मैनेज कर लिया, इलेक्शन पोलिंग सही करा ली, तो उसका फायदा यकीनन तरीके इंसाफ को, इनसे वोटिंग करा ले तो 99% वोटिंग हमारे हक में। ओए होए होए, इतना कॉन्फिडेंस आप चेक कर लें। अच्छा जी बताएं अभी बच्चों, किसको वोट डालना है, तरीके इंसाफ को या पीएमएलएन को? आप पूछे कि इमरान खान को या नवाज शरीफ को, इस तरफ सीधा पूछे। सर पीटीआई इमरान खान ही है। ओ नहीं, थोड़ी इमरान खान साहब काबलिक से चले गए। अच्छा भाई चले, ये बताया कि आपने इमरान खान साहब को वोट डालना, हाथ खड़े करें जो उनको वोट डालेंगे। अच्छा अब ये बताइए कि कौन मुस्लिम लीग नून को वोट डालना चाहते हैं? ये जो बीच में 4-5 है, इनके वोट नहीं है या इनका दिमाग नहीं बना? ये बीच में एक बात बताइए, आप सब बच्चों के वोट बने हुए हैं? आपको पता है ना कि वोट आपने एक पोलिंग स्टेशन में जाके डालने हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं डालने। ये 2-3 बार हो चुका हुआ कि यहाँ पे यंगस्टर्स हमारे बहुत आते हैं तो वो सब वोट डालना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछता हूँ कि वोट बना हुआ है तो उनको वोट ही नहीं बना होता। अगर 18 साल उम्र है तो एक नंबर है, अभी मुझे याद नहीं, बिल्कुल वो नंबर पे आप सेंड करें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, तो आपका अगर वोट हुआ तो आपका उसका नंबर। नंबर क्या है? नंबर मुझे याद नहीं। नंबर अभी याद नहीं। तुहानू ही कितों याद, तुसीं आप 16 साल ले बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, मेहरबानी। आज सारा दिन में आपने एक ही काम की बात की है। ये बात नहीं है तो उन्होंने 16 साल तक कही जानने जो राजा साहब ने उदो फैसलाबाद का घंटा घर एडा घूमता सी। अगर देखे आप तो ये तो आपके शहर के हैं, आपके ग्राही हैं। राय साहब तो हमारी जिन जान है जी। अच्छा जी, और इंशाल्लाह इस मरतबा जीतेंगे भी इनके साथ खेल के। हाँ जी लूडो जी। आप इंटरेस्ट रखती हैं वोटिंग शोटिंग पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स? बिल्कुल इंटरेस्ट रखती हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो एज एन पाकिस्तानी तो इंटरेस्ट रखना भी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन बेहतर। तो आप वोट कास्ट करती हैं? बिल्कुल मैं करती हूँ। करती हैं तो यानी कि इस बार अभी आपका प्रोग्राम है? जी बिल्कुल है। चले ये तो अच्छा हुआ कि सर एक वोटर तो आपके साथ बैठी हुई है, ये पूछ भी लेना किसको वोट। अच्छा पूछ लूं, मैंने इखलाकन नहीं पूछा था, मगर आपके इसरार पे मैं पूछ रहा हूँ कि जी आप किसको वोट डालती है? लास्ट ईयर आपने 2000 पिछला छोड़े इस दफा को पिछला छोड़ दिया, इस बार आप किसको वोट डालना चाहती हैं? पीटीआई। पीटीआई को? तो ये मुझे बताइए परीसा के, ये फैसला आपने इस शो पे आने से पहले किया हुआ था, ये राजा साहब की पर्सनालिटी की ताब न लाते हुए आपने फैसला किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले ही इरादा किया हुआ था इस चीज का, बिकॉज देखिए जो पहले थे उनको तो हम लोगों ने आजमा लिया। अच्छा। और जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि चले हम इनको मौका दें, अल्लाह करे कि ये कुछ बेहतर कर दें हमारे मुल्क के लिए। इससे पहले भी पीटीआई को वोट डाला था आपने? नहीं मैंने नहीं डाला। अच्छा अच्छा, ये यानी कि आपने किसी और पार्टी को डाला था लास्ट टाइम? बिकॉज़ भाई सबको देख लिया, उन लोगों के भी मौके दिए, लेकिन वो वही आपके जिनको आपने डाला था वो उनकी परफॉर्मेंस इन द लास्ट 5 years नॉट समथिंग दैट यू आर हैप्पी विद? या एग्जैक्टली। कितनी मरतबा वोट डाला है, मसलन कितने इलेक्शनों में वोट डाला? 4-5 में तो डाला होगा। लो जी इन्हां दी उम्र 43 साल है यार, कितनी बुरी बात है। सर मैं पूछ लिया। अरे पूछ नहीं लिया, आपने गेस किया, क्या इन्होंने सही गेस किया? इनको बताओ अगर इन्होंने गेस किया। मैं कड़ा नादरा दे ऑफिस लगा तो मैंने इलेक्शनों के 5 साल बाद इलेक्शन होंगे ना, 20 साल हो लाओ। हाँ। 20 साल बाद बंदा है शनाख्ती कार्ड, 40 साल 3-4 साल अपने को ला लो 3-4। ये यार बड़ी बुरी बात है। एक्टिंग का आपको शौक शुरू से था? बिल्कुल शुरू से था, बिल्कुल शुरू से था, लेकिन तालीम आपने एक्टिंग की हासिल नहीं की थी, यू स्टडीड आर्ट जनरली आई थिंक। हाँ या, और उसके बाद आपने काफी 2-3 जॉब्स भी की। और उसके मैंने मलेशिया में जॉब किया था,
एज अ कैशियर। अच्छा, और मलेशिया में जॉब करने के बाद आपको वापस एक्टिंग ने पुल किया? बिल्कुल, मैं फिर वापस आई, फिर मैं कराची मूव किया, फिर मैंने कराची में एक्टिंग की। यकीन का सफर में भी आपने काम किया? जी बिल्कुल, मैंने बड़ा एक जबरदस्त और एक बड़ा सुपर हिट ड्रामा गया था। तो आप बताइए कि क्या आपको भी अहद रजा मीर उतना ही पसंद है जितने आम दुनिया को पसंद है? हाँ, अच्छे हैं, सही हैं। सही हैं, मतलब कोई सही है। वैसे कौन से एक्टर आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मुझे फवाद खान अच्छे लगते हैं। अरे वाह, मोहब्बतों में दिलों का ये हाल रहता है, कहाँ पे फोन बिजी का सवाल रहता है। जो तुम तो तेज तकारीर हो असेंबली में, तो मेंबरान का चेहरा भी लाल रहता है। तमाम साल ही महंगाई कम नहीं होती, हर एक साल यही तो मलाल रहता है। हाय, मैं कह तुसी आओगे ते 5000 दे नोट दा मुंह वेखांगे। आहा, हां जी, हो गया हो गया। और राया साहब सोच रहे कि किन्ने महीने हो गए, मैं आप नहीं वेखे। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। परीसा, ये बताएं, आप फिल्म कर रही हैं खलील रहमान कमर साहब की, ये क्या है जरा इसका तो बताएं हमें। आईएस प्यार की फिल्म है, खलील साहब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और राइटर भी वही हैं, तो इसका भी शूट स्टार्ट हो जाएगा 16 ऑनवर्ड। तो खलील साहब का कैसा, वैसे आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, सुना है बड़ा मुश्किल होता है उनका? मुश्किल तो नहीं था, वो बताते बहुत अच्छा है उन्होंने। अच्छा। मुझे जो डिस्क्राइब किया वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से तो लिखा, उतना वो अच्छा जो नहीं मुश्किल हुआ होता वो आपके लिए इजी हो जाता है। अच्छा, जिस तरह से वो डिस्क्राइब करते। और आपके साथ उस फिल्म में कौन है? नेहा राजपूत है। तो ये माशाल्लाह, आप भी राजपूत, परीसा राजपूत, नेहा राजपूत, कोई और मेरी बहन इसमें कर रहा है काम, कोई और किसी जात के लोग भी हैं? कोई बट जट सारे राजपूत ना सर, दुश्मना को बदला ले जाने देने, तलवारां फड़ियां होनी हैं। मतलब वैसे राजपूत तो बड़े जंगजू किस्म के होते हैं, तो आप क्या ऐसी हैं? नहीं, जंगजू किस्म के नहीं होते हैं, गलत बात करते भी नहीं और बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। राज साहब क्या सही कह रही हैं? ये राजपूतों की हिस्ट्री यही। हाँ। राजपूतों की हिस्ट्री यही कहती है, मतलब गलत बयान। पुराने राजपूत तलवारां चौके फिरते सी, आजकल के राजपूत मेकअप चौके फिरते ने। तमाम लोग सुन ले, मैंने कुछ नहीं कहा, ये जहाँ राजपूतों को ये लड़का मिले वो खुद हैंडल कर ले कैसे उन्होंने। देखिए ना, प्रोफेशनल भी तो होता है ना, मेरा एक्टिंग का काम है तो मैं मेकअप उठा के। बिल्कुल नहीं, नहीं, आप कवर ना करें, वो इनको खुद और सुनने वालों ये गौर से सुनो, मैंने इस लड़की को कहा है। डर गए? हाँ, दसो डर गए हो? मैं डरिया थे। हौसला रखो, कोई गल नहीं, कैम हो राज साहब, डरिया थे पीपल्स पार्टी जो पीटीआई। ये इस बात का जवाब आप खुद ही देंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये पुरानी बात है जी, ये पुरानी बात होती है, जेड़े होते ने बिल्कुल नाकाम लोग हो इदां दे मेने मार दे। इससे पहले आपने आखिरी बार ये ताना किससे सुना था, मुझे बताएं, किसी नून लीग का नाम इस तरह दे हारे हुए जेड़े जिन्हें कोई नहीं सुनता, इदां दियां गल्लां करदे। Good, how are you? I'm very happy today. Really? I have a big idea. You have a big idea? Yes. Dono ameer ho sakte hain. Wo kaise? Because I want to become a big transporter. Oh, acha. Main chingchi le rahe hain. Iske andar main kahan pe aata hu? Nahi te tuhadi vi te investment honi hai na. Acha, investment main kitni? Kyunki chingchi de paise tusi dene ne. ये किस किस्म का आइडिया? नहीं ते अगे इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ। उठे फ्लैक्सा पोस्टर बैनर ओदे उठे रख के ले जावांगे, मैं बांदर तरह खंबे ते चढ़ के लावांगा। अच्छा, तुसी मैंने बस मोडियां ते चुक के रखना है। ये तेनू मोडियां ते चुकांगे, चार बंदे होवांगे पूरे तेरे। नाले तुहानू पता है कि इलेक्शन आ रहे ने। जी बिल्कुल, ये जिन्ने एमपी एमएनए जे इन्हां नू वोटरां दी लोड़ होनी है भी किथे जाके वोट पाने ने। ते चिंची चलेगी, बड़े पैसे कुमावा। यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, हमारे मेहमान जो है उनसे बात कर लो, वो तुम्हारी हेल्प शायद कर सके। ओह माय गुडनेस, रियली? जीए बुचो बेनजी। अरे नहीं नहीं नहीं, अब वो नहीं, वो वाले जैसे मैं एक बार इन्हां को गया लैलपुर, ये वो वाले अब नहीं है, गाना चेंज करो। छद्द तने कम
नहीं नहीं पीपल्स पार्टी नहीं है, दूसरे वाला गाना। ओके ओके ओके, तो तीन बारी पहले भी आए ने। यस, हर बारी पैसे देंदे ने। फैसला बाद दे लोग ही पैसे देंदे ने। ए ते मैं मियां दे नारे वजने ही वजने जी, मियां दे नारे। यार वो वाली नहीं ज्वाइन की, दूसरी वाली ज्वाइन की है। ओ एएनपी च चलेगी। अरे नहीं यार, वो तो तुम हर वक्त गाते रहते हो। ओ चले गए। यस, ओ आई लव दिस पार्टी। जजों आएगा इमरान, करेंगे तेरे जान, बनेगा नया पाकिस्तान। मैं तुहानू एक गाना डेडिकेट करना है जी। जी जी, बड़े दिनों का मैं सोच के रखिया सी, मैं कह तुसी आओगे ते 5000 दे नोट दा मुंह वेखांगे। हां जी, हो गया हो गया। और राया साहब सोच रहे कि कितने महीने हो गए मैं आप नहीं वेखिया। यार आप गाना गाए भाई। बाजी रन में कभी ये देखा? आपने कहां देखा मेरे को? साडे मोहल्ले जी कितने रहंदे? नहीं आप मोहल्ले में नहीं, आपके मोहल्ले में टीवी है उसके ऊपर आपको नजर आई। ओ ये वही मैं कह रहा हूं ना, जरा फेस है ये कोई जानिया पहचानिया। या शी इज एन एक्ट्रेस। Oh, she is. फेस दे उत्ते जेरी लोकों दी उत्ते पता लग जांदा है। अच्छा भाई ये की काम कर दे उन्हें, इन्हां दे मुंह दे उत्ते ते किसी ने लुक मली हुई है। यार आप इग्नोर कर देना उनको भाई। राजा साहब टोपी च पैसे नहीं पाने, तेनू अग ही ला दो। यार उसको ट्राई करने दे। चलिए राजा साहब इथो नहीं कसून मारन ना, ते तेरी टेंड पाट जाए। सावन का महीना पवन करे चोर, दिया रारे झूमे ऐसे जैसे मन माना चे मोर। सावन का महीना पवन करे चोर, दिया रारे झूमे ऐसे जैसे मन माना चे। एवें जोर लाई जाना कोई गल नहीं, पैसे दी नहीं कोई जरूरत, उई दे दियो ते मेहरबानी। दे देना, दे हो गए हो गए हो गए। वो कहते ने सगो तेरे वाल हो गए, वो मेरे वाल ही कटी जाते। तुम्हारी किस्मत में क्या कह सकता हूं? तेरा मोइंजे जिम्मे खराब बेकरी का बिस्किट होंगे। पैसे बड़े मिलेंगे ना, नैब का रौला ना, कोई मनी ट्रेल का चक्कर। तुहाडे नाल नहीं जाना, हवा आई तो तुसी उड़ जाना है। वेलकम बैक टू मजाक रात। राय साहब वैसे आप तो बिजी इतना रहते हैं, कोई कैंपेन चल रही है, धरना चल रहा है, कोई और पार्टी की मीटिंग्स चल रही हैं, इस सब के दरमियान में अपने लिए कोई वक्त निकालते हैं? बहुत कम होता है, मगर जब होता है तो फिर क्या होता है? उस वक्त भी फोन शोन कर लिए, कोई काम शाम देख लिया, तो इस तरह बस। अभी मैं लाहौर आ रहा तो सारे रास्ते यही चलता रहा। तो मगर राय साहब आपके ड्राइवर ने कोई उसके अंदर कोई डीवीडी प्लेयर को क्या होते हैं गाड़ी में जो सीडी प्लेयर? मैंने कभी गाड़ी में आज तक गड्डी से ना फोन क्यों सुनते? 5 रुपए घंटा पैकेज कराया। वो कह रहे हैं कि मगर वहां भी अब फोन आया था, मगर गाड़ी के अंदर भी कोई एंटरटेनमेंट का सामान नहीं? वो टेलीफोन ही आजकल सब कुछ है उसमें। अच्छा टेलीफोन में, यानी कि मतलब वो हमारा सियासी काम भी उसमें और होता है, बिजनेस वगैरह भी चेक कर लेते हैं तो उससे ही सारा, और लोगों से राबता भी जो है टेलीफोन। मौसीकी वगैरह का कोई है सर शौक या नहीं? कोई जरा भी शौक? जरा भी नहीं। टीवी शीवी पे कुछ देखते हैं? खबरें सिर्फ, खबरें देखते हैं, न्यूज़ चैनल, उसके अलावा जिसमें दुनिया नमाया है। आय है, तो उसके अलावा कोई चीज नहीं सर? ड्रामा कोई घर वाले देख रहे हो बीच में, राय साहब गुजर रहे हो कह रहे यार ये क्या लगाया हुआ है, वो कहे जी हमने ड्रामा लगाया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, अब मैं बात नहीं करता कि जितने आप ये ड्रामों की बातें कर रहे थे मैं शायद उन लोगों को सामने आए तो पहचान भी ना सकूं। ओए सर ये क्या बात हुई, को फनून लतीफा? टाइम नहीं है ना, ये मेजर बात भाई। यू एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। मगर सर ये आपको यार कोई आइडिया नहीं होना, ये तो बड़ा मसला नहीं है वैसे? क्या ख्याल है आपका कि उनको आइडिया कोई नहीं होगा? आप जिस पार्टी को वोट डालने जा रही है उनको पता ही नहीं आप लोगों का? भाई हमारे मुल्क को अच्छा करें, मुल्क के लिए, चाहे आपको जाने ना जाने, चाहे उनको पता हो या ना पता हो कि फवाद खान कौन है। फवाद खान का पता है सर आपको? हमारी पार्टी में फवाद चौधरी है। अच्छा तो सर माहिरा खान का पता है? मेरे पे आप यकीन? हमारी एक जानने वाली एक और भी थी जो खान थी। रियाम खान आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं। मतलब आप मिलते जुलते नाम जोड़े तो मैंने कहा ये भी जोड़ ले शायद, मगर आपको कोई आइडिया नहीं माहिरा खान? मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं सर। ये तो बड़ा मसला है, मतलब आपके सामने मैं भी शहात आ गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा? नहीं आपसे तो मुलाकात रही है। नहीं मुझे मैं भी शहात ना समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं पंजाब ही जाऊंगा।
بڑے مصروف ہوتے جا رہے ہیں الیکشن کے زمانے آ رہے ہیں بڑا بیزی ہو گیا اچھا جی مائی گاڈ وائے میں ڈیوٹی تے ڈیوٹی چڑھی پئی میں کہ ایک واری جا کے تے براہ نوں دس سما کہ ہو سکدا کہ میں کم از کم ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ نہ آ سکا دیٹس اے لانگ ٹائم تے ذرا جی بھی تانوں بوریت ہوے نا تسی مینوں کال نہیں کرنی اوکے مس کال کرنی بڑا وڈا کانٹریکٹ ملیا نہ کرے او ہو کیا بھئی ایڈا وڈا اپنا پیرس دے وچ ڈبلیو ڈبلیو ایف دی کشتیاں شروع ہو رہی ہیں نا یو ایس اے دے وچ ہاں نہیں نہیں یو اے دے وچ اچھا نہیں 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 یو کے دے وچ پیرس جو ہے وہ فرانس کے اندر ہے ہاں فرانس دا جڑا شہر نہیں پیرس ہاں اوتھے کشتیاں شروع ہو رہی ہیں ڈبلیو ڈبلیو ایف اچھا تے او اپنا پہلوان نہیں ہالک ہوگن ہالک ہوگن ہاں اونے نے جی کانٹریکٹ کیتا سی کشتی دا اچھا اونوں نہیں سی پتہ بھی اونے اس تو پہلے ریٹائر ہو جانا اوکے او اٹ ہیز بین ڈن ٹرگڈ دم دنک دن تان اس ساری بات کا آپ سے کیا تعلق ہے نہیں 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 نا 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 اونے نے میرا کانٹریکٹ اونے نے کہا جی تسی پہلوان لے کے آؤ اچھا اپنا جڑا ہال کھاگن نال ملدا جلدا ہوے ہال کھوگن سے ملتا جلتا اچھا او پھر پاکستان دے وچ بندہ نومینیٹ کیتا نے نا اچھا او پھر میں ہن جا رہا ہوں فیصل آباد کیوں او بندہ اوتھے میں جا کے نال گل کرنی نا وہ کون یار ایڈی لو او یار او کون لوگ ہو تسی جن ہو بھوت ہو او کیویں جان جاندے ہو کیا اور راجہ صاحب نے تو میں لب رہے ہیں ہال کھوگن کی جگہ دیکھو تو صحیح نہ کتنے جوان نے یار مگر وہ پولیٹیشن ہے پہلوان نہیں ہے جی میں جاننا پی ٹی آئی دے وچ نے ہاں الیکشن جیت کے بھی حکومت جا کے بھی اونے پیسے نہیں چھاپ سکتے جننے میں اتھوں لے دینے یار نال تانوں فائدہ ہوے گا اوتھے جان دا اچھا بھائی ایتھے تے سارا ہلکا پھرنا پیندا اوتھے تے رسے دے اندر اندر ہی رہنا تے پیسے وی چوکھے پیسے بڑے ملن گے نالے نیب دا رولا نہ کوئی منی ٹریل دا چکر میں تہاڈے نال نہیں جانا ہوا ہی تے تسی اڑ جانا ہے سر راجا صاحب بڑے جولی آدمی نے ماشاء اللہ دیٹس وائی آئی لو دس گائے اوئے ہوئے ہوئے اس کی مطلب ہے اس لیے آپ کو اس شخص سے محبت ہے یس بھائی جدوں بھی گئے نا اندر ڈیرے دے اوتے ہاں بڑیاں روٹیاں کھا دیاں مینوں بھی نہیں لگیاں ہاں وہ تو ہے بڑا دلیر افسر ہے بڑا اچھا جی ایک دن تھانے چ بیٹھ کے رو رہا کیوں میں کہ کی ہویا کہنا میرا کوئی موٹر سائیکل چوک کے لے گیا ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਹਟੇਗਾ ਫੋਕਸ ਉਸਰੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਯਾਨੀ ਸਡਨਲੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ مین ہیرو ہے مین ہیرو اچھا جی جس نے فلم شروع ہوئے گی نا پہلے نمبر جن گولی بجی وہ بھلا کون ہونا کون میں تواڈے کول پوچھ رہا تسی میرے کو پوچھ رہے آف کورس دس از دا می اچھا تیرے پتر نے جوان ہو کے بدلا لینا اور آپ کا بیٹا اس میں کون سمی خان بنا ہوا ہے ہاں سمی خان میرا پتر بنے ہیں نا توبہ استغفار سمی خان جان دیو جی جی میں نہیں جان دیو میں آئیڈیا نہ گل کی یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں فوٹو لینی کس کے ساتھ سر تانوں پتا کہ میرے ایک کی دل بھر جانی نے اچھا انہوں نے کوئی اجازت لے کے انہوں نے سارے فوٹو لینی سر جی 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 کیونکہ ہمیشہ جدو بھی تسی آؤں ہو نا جی تسی واحد بندے ہو جڑے اتنا زیادہ پروگرام میں چاہتے ہو کیونکہ پبلک بھی تھوڑے نال پیار کر دی تھی اے بھی سارے پیار کر دین مہربان صاحب جی اے گلی ٹر جائے ادھر نہ جانا کیوں ادھر پولیس نے ناکا لایا جے یہ گنجے آدمی کیسے مذاق کرتا ہے چلو چھڈو اسی کیوں بحث کرنی ہے اس گل تے تانوں تے بولن دی عادت ہے میں تو ویلا تے نہیں نا اوکے سی ہو گیا معاملہ تو نہیں بٹھاؤں گی وقت کی چاروں کو بٹھا دیجیے فواد خان ماہرہ خان حمزہ باسی احسن خان آپ لوگوں کو گاڑی میں بیٹھنے کی جگہ ملے گی ماورا کو نہیں بٹھائیں گی ماورا نے تو پٹرول پہ ہونا سی
Welcome back to مذاق رات. جی ہاں جی وہ غریب کیا ہے؟ خبر ہے لندن سے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں وہ انسانوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں, جو ہمارے پیٹس ہم نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں. اس کی مثال ابھی حال ہی میں لندن میں سامنے آئی, جہاں مالک کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں چور گھس آئے اور پالتو طوطے نے چور کو دیکھ کر زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا, اور اس طوطے کی چیخوں پکار سن کر چور ڈر کر گھر سے بھاگ گئے. آپ دیکھیں نا واسف بھائی, لوگوں نے اپنے پیٹس کو کتنی ٹریننگ دے رکھی ہے, کیسے کیسے وہ کام کرتے ہیں, اور ہم نے یہاں طوطوں کو صرف اتنی ٹریننگ دے رکھی ہے, میاں مٹھو چوری کھانی ہے. اور ٹھاکر صاحب نے اپنے طوطے نے کہا میاں مٹھو چوری کھانی ہے, اگر طوطا کہندا تو کو دکھا دی. کیسے بھائی نے بھی ایک طوطا رکھا تھا, روز اسے مرچیں کھلاتے تھے. ایک دن اچانک اسے کہنے لگے میاں مٹھو چوری کھانی ہے, اگر میاں مٹھو کہندا کیوں مرچاں مگ گئی ہیں. ٹھاکر صاحب نے بھی ایک طوطا رکھا ہے. اچھا, چھ مہینے بعد جا کے میں انہوں نے پوچھا, میں کہا گلا نہیں کرتا طوطا, اگوں کہندا چپ کرے تو میں کراں. اکرم بھائی نے ایک چوری صاحب طوطا رکھا گلا کرتا سی. اکرم بھائی جدوں بھی گھر آتے سن تو طوطا کہندا گنجا آ گیا گنجا آ گیا. ایک دن انہوں نے گسا چڑھیا, طوطے نے کہندا کہ ہوں جی تو گنجا گیا نا تو میں تیرے دھون سے چھری پھیر دینی ہے. اگلے دن گھر آئے نے تو طوطا انہوں نے ویکھ کے کہندا سمجھ تے گیا ہی ہوئے گا. سر ہمارا ایک راؤنڈ ہے 2020 کا, آپ تو کھیل چکے ہوئے ہیں, کیسا پھر الیکشن آ رہا ہے جانے دیں. آپ ہمارے جو سارے سینئر لوگ ہیں ان کا پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ان میں سے کون اچھا ہے برا, میں کیوں کسی کو برا کہوں؟ دیکھیں آپ برا نہ کہیے گا, آپ اپنی چوائس بتائیے گا, جواب نہیں دوں گا پھر یہی. اس کا بھی ہم نے ایک توڑ نکال لیا ہے کہ آپ جس موقع کو سمجھے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہتے آپ اس کے اوپر جنرل نالج کا کوسچن پک کر سکتے ہیں. خواتین سے کریں سٹارٹ. خواتین سے سٹارٹ کر, رایا صاحب نے کہا جی پریسا آئی ہوئی ہیں تو ان سے سٹارٹ کیا جائے گا. تو پریسا جی تین نام لوں گا اور تین چیزیں بتاؤں گا. ہاں جی, پہلا یہ کہ آپ ان میں سے کس کی کال فوراً اٹھا لیں گی, کس کی کال آپ کوئی 10-12 بیلوں کے بعد اٹھائیں گی, اور تیسرا ہے کہ کس کی کال کو آپ نہیں اٹھائیں گی. تو جو تین نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں عمران عباس, فیروز خان اور دانش تیمور. تو یہ بتائیں ان میں سے کس کی کال آپ فوراً اٹھا لیں گی؟ فیروز خان کی فوراً اٹھا لیں گی. کس کی کال آپ 10-12 بیلز کے بعد اٹھائیں گی؟ دانش تیمور. اور کس کی کال آپ نہیں اٹھائیں گی؟ عمران عباس کی کال آپ نہیں اٹھائیں گی. ٹھیک ہے, یہ بتائیے میڈم آپ ایک ایونٹ پہ جا رہی ہیں اور آپ کی گاڑی کے اندر 5 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ خود ڈرائیو کر رہی ہیں, ان میں سے کس کو آپ نہیں بٹھائیں گی؟ جو نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فواد خان, ماہرہ خان, حمزہ عباسی, احسن خان اور ماورا حسین. ماورا کو نہیں بٹھاؤں گی, وقت کی چاروں کو بٹھا دوں گی. فواد خان, ماہرہ خان, حمزہ عباسی, احسن خان, آپ لوگوں کو گاڑی میں بیٹھنے کی جگہ ملے گی, ماورا کو نہیں بٹھائیں گی. ماورا نے تو پٹرول پہ آنا سی. میڈم یہ بتائیے آپ ایک صحرا میں جاتی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ پیاس سے بھلک رہے ہیں, آپ ان میں سے کس کو سب سے پہلے پانی پلانا چاہیں گی؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں قائم علی شاہ, پرویز کھٹک اور شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب. کوئی خاص وجہ؟ ہاں مجھے اچھے لگتے ہیں وہ. آپ کو اچھے لگتے ہیں جب دو بزرگ بھلک رہے ہیں وہاں پہ, ان کا نہیں آپ نے سوچا. یہ بتائیے میڈم فلم دیکھنے جا رہی ہیں آپ, دو ٹکٹس آپ کے پاس تھیں, ایک آپ کی اپنی ہے, دوسری ٹکٹ پہ آپ کسی ایک کو لے کے جا سکتی ہیں, ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ فلم دکھانے کے لیے لے کے جانا چاہیں گی؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں میکال ذوالفقار, عثمان خالد بٹ اور شہریار منور. میکال. کوئی خاص وجہ؟ تینوں میں سے وہی بہتر لگتے ہیں نا مجھے تو. اچھا یہ دیکھیں نا آپ وجہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو شہریار منور اور عثمان خالد بٹ جو ہے وہ بہتر نہیں لگتے اس لیے وہ نہیں گئے. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. راجا صاحب مجھے پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے. اپنے ہاتھ سے آپ نے کافی بنائی ہے, تو اب ان میں سے کس کو بلا کر کافی سے محظوظ کرنا چاہیں گے؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں کشمالا طارق, شرمیلا فاروقی اور ناز بلوچ. دونوں کا خود پی لوں گا. ایک کچھ نام دینا پڑے گا ورنہ آپ کو جنرل نالج کا آپشن موجود ہے. ایک کا نام کسی کا بھی. ناز بلوچ. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے ٹائٹینک کے اوپر سفر کرنے لگے ہیں اور دو ٹکٹیں تھیں آپ کے پاس, ان میں سے کس کو رائے صاحب اپنے ساتھ ٹائٹینک پہ لے کے جانا چاہیں گے؟ جو آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں رانا ثناء اللہ اور سنی لیون. کوئی خاص وجہ؟ ظاہر ہے ڈوبیں گے تو ساتھ تو ڈوبے گا نا. یہ بتائیے سر آپ بھی ایک تقریب میں جا رہے ہیں, ایک ایونٹ پہ جا رہے ہیں اور رائے صاحب خود گاڑی چلا رہے ہیں, ان میں سے کن چار کو اپنے ساتھ گاڑی میں فوراً بٹھا لیں گے؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, پرویز کھٹک صاحب, شیخ رشید صاحب اور علیم خان صاحب. شیخ رشید صاحب کو اتار دیں گے. شیخ رشید صاحب کو اتار دیں گے. ٹھیک ہے, گڈ انف. ٹھیک ہے جی سر, تین گلاب کے پھول ہیں آپ کے پاس, وائٹ, ریڈ اینڈ بلیک, ان میں سے کن کو آپ کون سا پھول دینا چاہیں گے؟ جو آپشنز ہیں وہ ہیں عائشہ گل الہی, ریحام خان
और नरेंद्र मोदी, किसको देना चाहेंगे आप पहले व्हाइट रोज ये बताइए? सुलह और अमन के लिए मोदी को दो। ठीक है सर, किसको देना चाहेंगे आप ब्लैक रोज? रियाम खान को। और किसको देना चाहेंगे रेड रोज? वो मैं खुद लगा लूंगा। नहीं लगाना नहीं है, आपने देना था, आपने खुद प्लेस किया। वो मैं खुद लगा लूंगा। ये राया साहब ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को व्हाइट रोज दिया है, ब्लैक रोज दिया है रियाम खान को, और आयशा गुलेलई को रेड रोज दिया है, ये याद रखिएगा। वैसे थैंक यू सो मच परी साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे फ्लक फॉर योर करियर।